हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक एंड ब्लॉग। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इन्वर्टर का जो बैटरी का वाटर है, वाटर आप लोग सही तरीके से कैसे डाल सकते हैं। तो इसका एक तरीका है, क्योंकि कुछ लोगों ने वाटर जो है इसको थोड़ा सा डालते हैं, कोई लोग हैं ज़्यादा डाल देते हैं, तो इसमें जो एसिड है वो बाहर निकल आते हैं, तो इसमें बैटरी का लास्टिंग कम हो जाता है। तो हम आप लोगों को ऐसा तरीका बताएंगे, तो कुछ लोगों ने नहीं जानते हैं, क्योंकि पानी जब ख़त्म हो जाता है किसी टेक्नीशियन को बुलाते हैं, टेक्नीशियन को बुला के वो टेक्नीशियन को पैसा देना पड़ता है। वो आप लोगों को ये वीडियो देख के किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये टेक एंड ब्लॉग चैनल है। तो आप लोग ये वीडियो देख के सब कुछ आप घर में ही कर सकते हैं, किसी मैकेनिक या टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देख के ही आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकी वीडियो कंप्यूटर की रिलेटेड और LCD LED ब्लॉग वीडियो सब कुछ आप लोगों को दे देंगे। और कोई अगर कोई दिक्कत होता है, आप लोगों को करने से दिक्कत होता है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सही तरीके से बता दूँगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही टेक्निकी वीडियो लाता रहूँगा। तो देर ना करते हुए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग देखते रहिए। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इन्वर्टर का जो पावर स्विच है वो ऑफ कर लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये इन्वर्टर का जो पावर स्विच है इसको भी ऑफ कर लेंगे। ऑफ कर दिया, इन्वर्टर का जो पावर स्विच है आप उस वो ऑन रहेगा तो यह लगने से आपको शॉर्ट मार सकते हैं। तो इन्वर्टर का जब आप काम करेंगे तो आप चप्पल पहन लीजिए, क्योंकि थोड़ा रिक्सी है, इतना भी रिक्सी नहीं है, आप जानेंगे तो कोई रिक्सी नहीं है, आप नहीं जानेंगे तो उसका आपको शॉर्ट मार सकता है या रिक्सी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन को खोल लेंगे हम, टॉस मार के आपको दिखाएंगे। और ये टॉस है ना, ये टॉस हम इसको सर्जिंग बनाया है, सर्जिंग देखिए, ये सर्जिंग बनाया है ये टॉस, और इसका एक वीडियो बना के हम डाल दिया है आई बटन में, आप लोग देख सकते हैं, हम आई बटन में दे देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पानी ख़त्म है या नहीं हम कैसे जाने, इसको पहले आप एक काम कीजिए, जो हाइड्रोमीटर है वो आप क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर को देख लीजिए, हाइड्रोमीटर थोड़ा डाउन हो गया है, इसका मतलब है पानी कम हो गया है, बैटरी में पानी कम हो गया है। तो हम देखेंगे, इसको देखिए, ये देखिए, सब कुछ देखिए, हाइड्रोमीटर डाउन हो गया है, ये हाइड्रोमीटर डाउन हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, और एक बात, तो इन्वर्टर का क्लेम है डस्ट हो जाता है और ये क्लेम टूट जाता है, यह आप क्या करेंगे, आप लोग वैसलीन लगा दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए, ये वैसलीन है, वैसलीन यहाँ आप क्लेम में, ये क्लेम लगा के इधर क्लेम में लगा दीजिए, वो डस्ट नहीं होगा। ये हमारा ये बैटरी 7 साल हो गया है, अभी तक नए जैसे है, अभी तक कोई डस्ट नहीं है, हमारा ये बैटरी नए जैसे है। आप लोग यह वैसलीन लगा दीजिए, और एक काम कीजिए, जब अब इन्वर्टर का क्लेम खोलेंगे तो इसको ढीला मत छोड़िए, इसको पूरी तरह से टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा या आपको बैकअप नहीं देगा, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इधर पूरा जोर से कस लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी सही तरीके से हम पानी कैसे भर सकते हैं, तो हम इसको एक एक करके खोलेंगे, और आपको पानी चाहिए वो जो डिस्टिल वाटर है वो आपको 10-15 रुपये से मिल जाएगा, ये डिस्टिल वाटर है, ये डिस्टिल वाटर लीजिए, और
एक काम कीजिएगा, एक आपको जो फ्यूनल है ये एक चाहिए आपको फ्यूनल। कुछ लोगों ने ऐसे ही डाल देते हैं, वो डालने से भी हो जाएगा क्योंकि फ्यूनल होने से आप लोगों को कहीं गिरेगा नहीं, वो वाटर है कहीं गिरेगा नहीं, तो एक फ्यूनल होना चाहिए आपके पास। या हमारा इन्वर्टर के साथ ही हम इधर रख देते हैं, वो भेसलिन और फ्यूनल दोनों रख देते हैं क्योंकि यहाँ ही यूज होगा ये। तो हमारा बैटरी देखिए एकदम नया जैसा है, हमारा ये बैटरी 7 साल हो गया है, अभी तक वही बैकअप है जब नए लाए थे, जो बैकअप था अभी तक वही बैकअप है। तो हम क्या करेंगे, इसको पानी, हम यहाँ पानी डालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको पानी भी कम हो गया, देखिए अब देख पा रहे होंगे पानी कम हो गया है, देखिए पानी कम हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डालेंगे, हम पानी डालेंगे इधर, देखिए हम पानी कैसे भराया, वो जो इतना ही भराना चाहिए, अब ज़्यादा मत भर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा भरने से जब बैटरी चार्जिंग हो जाएगा, चार्जिंग होने से उधर पानी उबल आएगा, उबल आके वो इधर गिर जाएगा, गिर जाके वो एसी पानी जो है सब निकल आएगा, निकल जाने से आपका बैटरी ख़त्म हो जाएगा, आपका बैटरी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही भर लीजिए आप लोग, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए इधर पानी, हाँ देखिए ज़्यादा मत भर लीजिएगा। अब हाइड्रोमीटर को हम इसको लगा लेंगे, देखिए हाइड्रोमीटर को लगा लेंगे, देखिए अभी ऊपर आ गया है हाइड्रोमीटर का जो ये लेवल है, ऊपर आ गया है, देखिए ऊपर आ गया है, ये नीचे है। अभी एक एक करके हम बैटरी को, हम वीडियो को हम पोस्ट करते हैं, अभी एक एक करके पूरा भर लेते हैं। देखिए हमारा जो बैटरी है सब में मैंने भर लिया है, देखिए ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो जाएगा। जब आपको बैटरी का पानी ख़त्म हो जाएगा, ये हाइड्रोमीटर का जो लेवल है ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आप लोग एक काम कीजिए, 1 महीने 2 महीने के बाद आप लोग पूरा सेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 महीने में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है बैटरी का पानी। तो एक काम कीजिएगा, ख़त्म होने मत दीजिएगा, क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा सेल्फ में जो पानी नहीं होगा, तो आपका बैटरी पूरा ख़त्म हो जाएगा, अब बैटरी अब आपको ख़राब हो सकता है। तो आप लोग ऐसा ही कर लीजिएगा। और हमारा बैटरी देखिए, हमारा IT500 है, एक साइड का इन्वर्टर कूलर IT500, देखिए ये आपको ऐसा ही आप लोग भर लीजिएगा पानी, यही सही तरीका है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी फिटिंग करेंगे। और फिर इसको फिटिंग कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसा कर लीजिए, ऊपर थोड़ा प्रेस दीजिए, ऊपर प्रेस कर दीजिए, पूरा फिटिंग। अब हमारा इन्वर्टर पूरा पानी भर गया है, सब अभी ओके हो गया है। तो दोस्तों पहली बात, मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसलिए कभी कभी थोड़ा बोलने से थोड़ा गलती हो सकता है, इसलिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को देख के आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल में आप लोगों को एक भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा। कुछ मैकेनिक है
या कुछ कुछ टेक्नीशियन है और उन लोगों ने पहले तो बना देते हैं, फिर बीच में काट देते हैं और डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, वो वीडियो को डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। तो आप लोग उस वीडियो में आप लोग का ऐसा है, आप लोग जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा चैनल में ऐसा नहीं है आप लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो मेरा जो इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर का वीडियो है वो ही नहीं है, हम सब इलेक्ट्रिक जितना आइटम है LCD LED कंप्यूटर रिलेटेड और टेक्निकी जितना मेरे पास है मैं सब आप लोगों को पास आप लोगों के पास शेयर करूंगा। तो अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब मैं नए नए वीडियो अपलोड करूंगा तो जल्दी ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आप लोग मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आप लोगों के एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही मेरा बहुत खुश है और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरा वीडियो बनाने के लिए उत्साह जगेगा। तो ये तो सब्सक्राइब और लाइक सब कुछ तो फ्री है भाई, मैं इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं सोचता ही रहता हूँ किस चीज़ में मैं वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ में आप लोग कौन सा चीज़ में आप लोग तकलीफ है और आप लोग बता दीजिए मैं कौन सा चीज़ में कौन कौन चीज़ में वीडियो बनाऊँ। तो मैं आप लोगों का कोशिश करूँगा मैं वो ही वीडियो बनवाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरा रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया नया चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में और एक नया वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।